हेलो दोस्तों, आज बाइट पास्ता बना रहे हैं। उसके लिए मैंने एक पतीला लिया है। हेलो दोस्तों, आज बाइट पास्ता बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक पतीली ली है। इसमें मैंने दो दो मग पानी डाला है। अब इसे ढक्कन बंद करके बॉईल होने देंगे। मैंने ये पैकेट वाला पास्ता लिया है बॉम्बिनो का। आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं। मार्केट में कई तरह के पैकेट और कई तरह के पास्ता मिलते हैं। पानी बॉईल हो गया है, ढक्कन हटा के देखेंगे। ये देखिए पानी उबलने लगा है। अब हम इसमें आधी चम्मच नमक डालेंगे, 2 स्पून ऑयल डालेंगे। बॉईल हो रहा है, अब हम पास्ता डाल देंगे। पास्ता को उबलते समय ही डालें। अब गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे, इसे चलाएंगे। इसे मिक्स करके गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और 1 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर देंगे। 1 मिनट हो गया है, चेक करके देखेंगे। कोई कोई पास्ता बहुत देर में उबलता है, कोई बहुत जल्दी उबल जाता है। इसको चेक करेंगे। अभी ये कच्चा है, इसको थोड़ा और पकाएंगे। ये देखिए वाइट दिख रहा है, इसका मतलब ये कच्चा है। अभी फिर ढक देंगे 1 मिनट के लिए। इसे टाइम लगेगा, ये पास्ता देर से गलेगा। बहुत से पास्ता जल्दी पक गल जाते हैं। ढक्कन हटा के चेक करेंगे। पास्ता बॉयल हो गया है। ये देखिए हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि जब हम इसका सॉस बनाएंगे उसमें भी इसको पकाना है थोड़ी देर। इस तरह पास्ता को उबालते हुए मुझे 5 मिनट हो गया है, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह के पास्ता आते हैं। कोई जल्दी गल जाता है, किसी को उबलने में टाइम लगता है, किसी को कोई जल्दी ही गल जाता है, कोई देर से गलता है। इसलिए आप देख लीजिएगा, मुझे 5 मिनट लगा इस पास्ता को उबालने में। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। इसे हम किसी छलनी में छान के धो लेंगे। मैंने ये स्टील की छलनी ली है, इसी में हम पास्ता को डाल के धो लेंगे। पास्ता को छलनी में डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ा पानी ठंडा डाल देंगे। इस तरह हमने पास्ता को धो लिया है। ये देखिए अब इसे ठंडा होने देंगे, तब तक इसका सॉस रेडी करते हैं। पास्ता सॉस के लिए मैंने एक छोटी प्याज ली है, 4 लहसुन की कली ली है। हमें प्याज और लहसुन ज़्यादा नहीं लेना है, इसे बहुत छोटे और महीन टुकड़े में काटना है। चाहें तो आप इसे कूट के भी डाल सकते हैं। प्याज को भी ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, मीडियम साइज में काटेंगे। मैंने एक फ्राई पैन लिया है पास्ता का सॉस बनाने के लिए। आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, इसी गैस पे रखेंगे। मैं मक्खन डाल रही हूँ, यह अमूल का मक्खन है। यह अमूल का स्लो गैस पे मक्खन हमारा गर्म हो गया है। अब लहसुन डालेंगे। ये मैंने 4 कली लहसुन लिया था, जिसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे हम मक्खन में हल्का सा भूनेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। प्याज डालेंगे। इसको क्रंची रखना है हमें।
जैसे हम चाउमीन में डालते हैं इतना ही हमें प्याज और लहसुन को पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। मैंने मक्खन अमूल के मक्खन में से पका रहे हैं, हल्का क्रंची कर ले। प्याज हमारी क्रंची हो गई है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज को हमने बाहर कर लिया है, प्याज और लहसुन को। अब हम इसमें फिर से मक्खन डालेंगे। मैंने 2 चम्मच के करीब मक्खन लिया है अमूल का। सॉस बनाने के लिए 1 चम्मच मैदा ले रहे हैं। हम इसे मक्खन में ही हल्का हल्का भूनेंगे। हमें मैदा ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो हमारा सॉस गाढ़ा हो जाएगा और स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। हल्का हल्का से ब्राउन होने तक भूनेंगे। सॉस हमारा भुन गया है, अब दूध डालेंगे। मैं दूध डालेंगे, ये चाय के कप से, चाय का छोटा मग है, कप है चाय का छोटा, इससे 2 कप दूध डालेंगे और धीरे धीरे मैदे को 2 कप डालना है। मैं 1 कप डाल चुकी हूँ, 1 कप और डालूँगी। मैं 1/2 कप के करीब दूध और ले रही हूँ, 1/2 कप से थोड़ा ही ज़्यादा है। अब मैदे को इसमें पकने देंगे थोड़ी देर। इसकी फ्लेम स्लो ही रखना है। अब धीरे धीरे हमारा दूध और मैदा गाढ़ा हो